स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि किए जाने के विरोध में देवास जिला शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में विशाल और अनूठा प्रदर्शन आयोजित किया गया। स्थानीय नावल्टी चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक बैलगाड़ी से कार को खींचकर मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर इस गूंगी पहरी भाजपा सरकार को जगाया गया। आज आपने ये जो अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, इसको लेकर आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये झूठी सरकार जिसने झूठे वादे किए, रामदेव बाबा कहाँ हैं जिन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा मोदी की सरकार आते ही? शायद उन्होंने 135 कहा था, उनको सुनने में गलती हो गई थी, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। इतना महंगा पेट्रोल डीजल, खाने का तेल, राशन नहीं मिल पा रहा हमें, महंगा तेल हो गया, गैस महंगी हो गई, क्या चाहती है सरकार, समझ के परे है। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि तत्काल निर्णय ले और जनता को राहत प्रदान करे। कोरोना की महामारी से निपटने को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, हाहाकार मचा पूरे देश में, पर सरकार, ये व्यापारियों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। ये खरीद कर बनाई हुई सरकारें हैं, किसी भी तरीके से जनता का शोषण करना इस सरकार का उद्देश्य हो गया है। आज कांग्रेस जनों सड़क पर निकले हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशन पर पूरे मध्यप्रदेश में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, महंगाई को काबू में लाया जाए। आज वो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपकी साइकिल कहाँ है? जब 2-3 रुपए पेट्रोल के भाव बढ़े थे मनमोहन सिंह की सरकार में, तो आपने साइकिल चलाई थी, आजकल आप धरना नहीं देते? अभी कुछ दिन पहले आपने धरना दिया था कमलनाथ जी के खिलाफ, अब तो आप मुख्यमंत्री हैं, अपने खुद के खिलाफ। शिवराज सिंह जी, अगर आप जनप्रतिनिधि हो तो खुद के खिलाफ आप धरना दे के दिखाओ कि हाँ, मैं असफल मुख्यमंत्री हूँ। 2018 में तो जनता ने हटा दिया था, ये आने वाले 4 चुनाव में भी जनता उखाड़ कर फेंक देगी। बहुत जल्दी जनता समझ गई है कि झूठों की सरकार है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आज हम सब कांग्रेसजन सड़कों पर निकले हैं, जनता के सुख दुख में हमेशा कांग्रेस पार्टी साथ रही है और भविष्य में भी रहेगी, यही उद्देश्य के साथ हम सड़कों पर निकले हैं आज। आपने जैसा कि बताया कि पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, परंतु उसके बावजूद जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी, उन तक वो कुछ भी उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही, उसको लेकर आप क्या कहना? दरअसल क्या है, सरकार तो जनता ने उन्हें चुना नहीं था, डकैती डाल के बनाई हुई सरकार है। जिस तरीके से विधायकों को खरीदा गया, कांग्रेस जनों को खरीद कर अपने पक्ष में लाया गया, अब उन्हें बेफिक्री है, जनता को तो उन्हें तपाना है, जनता को परेशान करने का उद्देश्य है, क्योंकि जनता ने उन्हें हटा दिया था, वो जनता से चुन चुन के बदले ले रही है शिवराज की सरकार। पर आप चिंता न करें, 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले विधानसभा के, यही शिवराज सिंह जी कहीं नजर नहीं आएंगे, 15 सीट जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी, आपको आज दावे से कह रहा हूँ मध्यप्रदेश के अंदर। आगे इस आंदोलनों को लेकर आगे कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहेगी? निरंतर जनता के पक्ष में हम आंदोलन करते रहेंगे, जब तक सरकार उठेगी नहीं, जागेगी नहीं, जनता के पक्ष में निर्णय नहीं करेगी, तब तक हम इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे।